हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए जो जिसका नाम लुप संख्या। ठीक है, जो लुप संख्या होती है उन सभी के बारे में आज हम बताने वाले, जो इजनिंग का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे यहाँ एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज हम कवर कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज तो सभी एग्जामों में सेम ही मिलेगी, सभी क्वेश्चन आएंगे उनमें ऐसी एग्जाम मतलब लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन की। और यहाँ पे प्रश्नवाचक कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा और आपको क्यों आंसर पूछेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है, सिंपल है। इसमें आपको या तो क्या करना है, या तो यानी जैसे कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है आपको वो देखनी कहाँ पे है। ठीक है, तो बड़ी संख्या एक ये है, एक ये है, तो अब वो तो अब इन सभी से बड़ी संख्या की यहाँ भी बड़ी संख्या ही आएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे भी बड़ी संख्या दे रखे इन सभी। ठीक है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि बड़ी संख्या आती है हमेशा। ठीक है, तो अगर तो देखो, अगर हम देखो इन 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 तीनों को कुछ भी करके हमें 23 लाना है, और इन तीनों को कुछ भी करके हमें 19 लेके आना है। ठीक है, तो आपको या तो गुना कर सकते हो, भाग कर सकते हो, माइनस प्लस स्क्वायर कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जैसे कि ये और ये गुना कर देते हैं, 4 × 5 करेंगे और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 4 × 5 + 3 है, 33 + 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 20 और 23 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से इन दोनों को गुना करेंगे और बीच वाले को प्लस, तो 5 × 3 + 4 तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या, ये आपका देखो, अब आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। 6 × 3 करना है पहले। ठीक है, 6 × 3 करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ठीक है, 6 × 3 = 18 और 2 = 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। ये भी मैंने कहा था कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चनों की सभी की सेम होती है, तो अब इसको बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो आंसर बताओ क्या आने वाला है आपका। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है जैसे कि इन दोनों को गुना करते हैं, प्लस इसको कर देंगे। ठीक है, इस बार तो 4 × 9 + 8 तो ये कितना होता है, तो ये आपका आता है, ये 44 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम 3 × 7 + 6 करेंगे तो आपको आएगा 27। अब इसी प्रकार से आपको जैसे कि हमने ये गुना किया और इसको प्लस किया था, अब इसी प्रकार से इन दोनों गुना करेंगे, प्लस 1 करेंगे, ये करेंगे, तो देखो अभी 8 × 2 = 16 हो गए। ठीक है, और प्लस अगर 16 में + 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे बताना क्या आएगी, बताओ जल्दी से बताओ। देखो अगर इसका आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखो इसका आंसर जो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हमने इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अभी 30 क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट करना। अगले क्वेश्चन तो हम चलते देखते हैं क्या है। ठीक है, ये भी सेम सिमिलर पैटर्न है। ठीक है, इसमें भी आपको देखना है, तो इसमें कैसे होगी देखते देखिए। तो देखो अगर हम ये 9 है ये निकालना। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसका, अगर जो 4 है, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे निकालना है, ये 9 है, ये 19 है, लेकिन बड़ी संख्या देखनी है आपको, सबसे बड़ी संख्या 19 है, 40 है, और यानी आपको पता होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाना पॉसिबल होता है, आसानी होती है, लेकिन जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या लाना थोड़ी मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम छोटी से बड़ी चलाएंगे। ठीक है, मतलब छोटी से बड़ी निकालने की कोशिश कर, जैसे कि 19 निकालने की कोशिश करते हैं 4 और 3 से, और 6 और 4 से 40 निकालने की कोशिश करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर हम देखो 4 है, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस, और प्लस ये 3 है, 3 कर देते हैं, तो 4 × 16 + 3 = 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 4, तो 36 × 4 = 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 का स्क्वायर करना है, प्लस 9 करना है, तो 81 + 9 = 90 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कैसे निकालना है, इसमें बड़ी संख्या नीचे की तरफ दे रखी है, और आपको अब बताना आंसर कैसे आएगा। देखो अगर हम इसका आंसर देखते हैं, तो अगर हम देखें या क्या है आपको, अगर हम ये क्या करते हैं 5 × 9 करते हैं। ठीक है, तो क्या आता है आपका, 5 × 9 करेंगे तो आपका आता है, देखो मैं बता देता हूँ,
5 × 9 करेंगे तो 45 आता है, ठीक है। 45 ये 3 है, ये 3 को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये 345 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से 6 × अगर हम क्या करते हैं, 6 × 10 करते हैं, क्या करते हैं, 6 × 10 करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। और अगर ये जो 4 है इसको उठा के यहाँ पर रख देते, 4 × 7 आता जाता है। अब इसी प्रकार से इनको गुना करेंगे तो 77 आ जाएगा, और ये आपका 5 है ये इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 577 जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, आपको लॉजिक लगाना होता है क्वेश्चनों में, और कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है। बस लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है, आपको देखना कि किस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होने के लगा है। अब इसी प्रकार से इसका आंसर कैसे निकलेगा देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखना क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। अगर हम देखते हैं, देखो इनमें से ये दोनों को माइनस करते हैं, 10 − 3 करेंगे तो क्या बचे, 7, ठीक है। और 7 × 2 करेंगे तो 14 आ जाता है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से 49 − 15 करेंगे तो आपको क्या आता है, 34 आता है। और 34 × अगर हम 2 कर देते हैं तो आपको क्या आएगा, 68 आता है। अब इसी प्रकार से इसको हल करना है, 33 − 19 करेंगे तो आपका आएगा क्या आएगा, 14 × 2 करेंगे तो 28, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको समझा देंगे। अब इसका आंसर बताएंगे, तो अब आपको निकालना इसका आंसर कैसा आएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे सभी लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की हम बात करें तो आपको क्या है, अगर हम क्या करते हैं इसमें इन दोनों को प्लस करते हैं, 2 + 3 करेंगे तो क्या होता है आपका, 5 होता है। 5 का अगर हम क्यूब करें तो क्या होता है आपका, 125 होता है। अब इसी प्रकार से 3 × 4 करेंगे, मतलब 3 + 4 करेंगे तो 7 होता है, ठीक है। और 7 किसका क्यूब होता है, 343 का, ठीक है। अब ये है आपका 216, ठीक है। 5 यहाँ पर देखा है, क्या देखा है, 5। अगर हम 5 तो 216 6 का क्यूब होता है, ये सभी को पता होगा। 5 + 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ही तो यहाँ पर 216 आएगा, तो ये 6 का क्यूब होता है 216, तो इस तरह का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम है, बताएंगे। तो देखो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जैसे कैसे निकालेंगे, तो इसका सही आंसर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये है आपका 5, क्या करना आपको, जो 5 है, ठीक है, ये देख क्या देखा आपका, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 देखा, अगर 5 की इस 3 को हम यहाँ पे इसकी घात बना दें तो इसका घात क्या होता है, 125 होता है, तो क्या हमारे यहाँ देखा। अब इसी प्रकार से 10 है, 10 की यहाँ पे 4 लगा दें तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। अब इसके 10 × 2 है, इसका ये 5 यहाँ पे लगाएंगे तो 2 × 2 करेंगे तो 32 आएगा, 2 × 2 कितना होता है, 32 होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर सभी को कमेंट करना, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम डिफेंस क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है, सेम नहीं करवाएंगे। हाँ, अब ये डिफेंस क्वेश्चन आपका आ चुका है, अब ये देखते हैं, ठीक है, ये कैसे हल करना है। अब इसमें आप वही लैंग्वेज वही आएगी, यहाँ पर बताना क्या आएगा, ठीक है। तो आपको वही देखना है, ये संख्या कैसे आई, ये संख्या कैसे आई, ये देखना, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये 4, 9 और 6 इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये आपके 19 आएंगे, ठीक है। 4 + 6 = 19 आते हैं, ठीक है, ये 3 + 2 करेंगे और इसका गुना 2 करेंगे तो 38 आ जाएगा, जो कि हमारे यहाँ पर दे रखा है। इसी प्रकार से इन सभी को गुना करें, मतलब इन सभी को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 28, 28 × 2 करेंगे तो 56 होता है। अब इसी प्रकार से अगर हम इन सभी को करते हैं प्लस तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है 36, और 36 × 2 होता है 72, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये भी सेम तरीका है, इसमें भी आपको बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, सिंपल है, थोड़ी क्लास फास्ट है क्योंकि हमें रिवीजन करना है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखो ये आपका 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार ये 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आपका 25 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है आपका अगला, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको देख कर यहाँ पर पता लगाना क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको पता लगाना है, कैसे पता लगाओगे, तो ये भी सेम तरीका है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, ये 1 का क्यूब मान लो, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, ये 2 का क्यूब है, इसी प्रकार ये 6 का क्यूब है, ये आपका
कितने का है, ये आपका 4 का क्यूब है, ठीक है, ये आपका 5 का क्यूब है। अब इसी प्रकार से आपको ये भी याद करना है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका किसका क्यूब है, ये जैसे कि 7 का क्यूब है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 8 का क्यूब आएगा यहाँ पे, जो कि 512 आएगा, और यहाँ पे 9 का क्यूब है, तो 512 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हम लोग, अब ये क्वेश्चन है, इसका कैसे हल करना है आपको, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है क्वेश्चन। देखो इसमें आपको स्क्वायर करके देख लेना है सभी को, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो आपको 99 आएगा, और 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, वो 2 का स्क्वायर, तो 114। अब हम इसका सीधा करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, देखो सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस आपको 5 का स्क्वायर 25 और प्लस आपका 7 का स्क्वायर 49, इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 164, जो कि आपका ऑप्शन बी में देखा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए यही गोले वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना है कैसे होगा। देखो इनको है ना, जैसे कि ये संख्या ज्ञात करें, तो आमने सामने की संख्या है, ये आपको पता लग करके देखना है, जैसे जियो कैसा है, ये कैसा है, ये पता लगा रहे, ठीक है। तो अगर हम क्या कहते हैं, देखो ये क्या है, 6511 हो गया, ठीक है, और ये आपका ये भी 11 हो जाएगा, हम सब माइनस प्लस कहेंगे उसके बाद माइनस, तो ये जियो हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों को क्या करना है, जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या बताने, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 12, और ये आपका 13 होगा, ठीक है, ये 12 8 हो, 4 12 होता है, ठीक है, और ये 7 और 6 कितना होता है 13, तो माइनस करेंगे तो वो ना आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब इसी प्रकार से ये क्या करना है, 11 प्लस 2 का मतलब 11 प्लस 2 13, और ये आपका -2, तो 11, तो 11 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम कल की जो क्लास आएगी आपकी नेक्स्ट, उसमें हम इसका आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, सब लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं।